हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो मैं आपको आज एक मैसेज और इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ कि मैं कोलकाता आ रहा हूँ, और कोलकाता मेरा 28 सितंबर सैटरडे इवनिंग 4 PM जो होगा वो एक सेमिनार है IIST कॉलेज में, जो फेस्ट है उनका इंस्टीट्यूट, जो हॉल होगा वहाँ पे एक सेमिनार लेंगे। और मेरे अंदाज से वो फेस्ट है तो सभी लोग अलाउ है, जितने भी कॉलेजेस वगैरह होंगे सभी लोग फेस्ट में जो आ रहे होंगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो गेट ESC से रिलेटेड, जो डिस्कशन में इन्वॉल्व होना चाहते हो, जो मेरे से बात करना चाहते हो, बिल्कुल अटेंड कीजिएगा, सेमिनार अटेंड कीजिएगा। और जितने भी पेन ड्राइव और जी ड्राइव यूजर है उनका तो मैं एक ग्रुप भी बना चुका हूँ, आप देख सकते हो। आप जितने लोग भी पेन ड्राइव और जी ड्राइव वाले जो लोग हैं उनको आइडिया भी है कि ग्रुप व्हाट्सअप ग्रुप बन चुका है, उनके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। तो वो लोग भी उस प्रोग्राम में जो जो मैं एक सेमिनार लेने वाला हूँ उसमें आप विजिट कीजिएगा। उसके बाद स्पेशली मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ कि कितने गुड फॉर्म में आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, और एक अलग से कैसे अरेंज करूँगा ये देखूँगा। अभी तो 4 PM जो रहेगा सेमिनार, उसमें सभी लोग आ सकते हैं, बात करेंगे। कोलकाता एक बार फिर से मेरे को आने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो जो IIST जो शिवपुर जो जगह है वहाँ पे जो कॉलेज है, तो वहाँ पे एक सेमिनार अपन रखेंगे, बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, एक गुड फॉर्म में रखेंगे। बहुत मेरा शेड्यूल जो था, बहुत मुश्किल से जो क्लासेस थी उसके बाद भी मैं एक दिन का मैं निकाला, कोलकाता था इसलिए मैं सोचा कि चलो एक दिन के लिए मैं चलता हूँ, ठीक है। तो बस एक दिन का टूर था तो इसलिए मेरे को एक दिन के लिए क्लास को बस मैनेज करना पड़ा, ठीक है। तो मैं फिर इंजॉय करता हूँ ऐसे सेमिनार को, मैं इंजॉय करता हूँ लोगों की, लोगों से जो डिस्कशन होता है वो मैं इंजॉय करता हूँ। तो ठीक है, अपन डिस्कशन करेंगे, जो भी पॉइंट्स रहेगा आप सेमिनार इंजॉय करेंगे, हम लोग लाइफ से रिलेटेड बात करेंगे, हम लोग अपनी गेट प्रिपरेशन से रिलेटेड बात करेंगे, हम बात करेंगे कि ओवरऑल क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। वैसे तो हम बात करते रहते हैं, बहुत बार मैं यूट्यूब चैनल बात करते रहता हूँ, लेकिन ठीक है, 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, किसी के कुछ डाउट्स होंगे वो बात करेंगे, ठीक है। तो मैं रहूँगा बोला, तो एक गुड प्लानिंग के थ्रू अपन बात करने का जितना भी मौका मिलेगा उस टाइम को अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बस ऐसे आप इंजॉय करते रहिए, ऐसे चीज़ों के साथ आप कैरी करते रहिए, टेक्निकल अपनी स्टडी करते रहिए, अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए, चीज़ों को अच्छा करने के लिए डे बाय डे बेटर अपने लिए प्लान करते रहिए, डिसिप्लिन बना के रखिए, और अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको हमेशा मेंटेन रखिए, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ बोला फिर 28 सितंबर को इवनिंग 4 PM जो सेमिनार में लेने वाला हूँ उस हॉल में हम मिलते हैं, और फिर बेहतरीन टाइप से डिस्कशन करते हैं, मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलो मैं वेट करता हूँ बोला कि जो कोलकाता से हमेशा मेरे को जो जो डिफरेंट फीलिंग आती है वो हर बार मैं इंजॉय करता हूँ। तो ये मेरा सेकेंड बार होगा कोलकाता विजिट करने का, और कोलकाता था इसलिए मैं तुरंत हाँ बोल दिया, कोलकाता के कारण मैं मतलब एक दिन का मेरे को टाइम निकालना था, और डायरेक्ट फ्लाइट थी रायपुर से कोलकाता के लिए भी फ्लाइट डायरेक्ट होती है, तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं हाँ बोल सकूँ, और कोलकाता में हमेशा आना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को लकी फील करता हूँ, इतना लोग प्यार करते हैं मेरे से कोलकाता में, ठीक है। तो मज़ा आएगा, अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।